ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। अभी हम रेसिडेंट ईविल को गेम को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑब्वियसली, जिसे हमने लास्ट पार्ट फोर में रोक लिया था गेम को। और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई थी, जैसे हमें स्टोरी की मेन हेडलाइन में पार्ट वन में जो चैप्टर वन था इस गेम का उसमें पता चल गया था। और फिर चैप्टर टू में हम देखते हैं लुईस की कुछ हमें शॉर्ट हाईलाइट्स देखने को मिले थे, कैसे वो स्टार्टिंग में लियोन से मिला था, उसके बाद उसकी थोड़ी हरामी बनती दिन शुरू हो गई, फिर पता नहीं वो कहीं चुड़ा कर फिर वो भाग गया कहीं, और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। और फिर हमने देखता कि फिर से हमें वो बंदा मिल गया था, उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसे, चेनसॉ, हाँ ओके, चेनसॉ वाला बंदा मिल गया था, जो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल, आसान नहीं बोलूँगा, फिर भी ओके से था, उसे डिफीट कर लिया था। और फिर हमने गेम रोक दिया था एक बड़े से किले में, जिस जो हमें रेसिडेंट ईविल एट के जो मिया और उसका एक और का पता नहीं ईतन का जो घर था उसके जैसे सिमिलर था वो घर, फिर भी थोड़ा चेंजेस था पता नहीं क्यों, वैसे ही था वो गेम। सो वहाँ पे हम पहुँच गए थे, और उसके बाद हम वहाँ पे एक सेव पॉइंट पे रुक गए थे गेम, तो वहाँ पे हमने गेम को वहाँ पे रोक दिया था। तो इतनी सारी स्टोरी हुई थी, कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, अगर आप समझ नहीं आई तो आप फर्स्ट से मेरे इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इस गेम की पार्ट वन से पार्ट फोर तक, और अब ये पार्ट फाइव बाद में आके देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम गेम कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ओके सो कुछ बोनसेस की बातें यहाँ पर ऐसे हो रही है, बोनसेस को हम अभी खोलने नहीं वाले हैं क्योंकि हम गेम में इतने भी ज़्यादा आके नहीं बढ़े हैं। सो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर दैट वेट कट, मैं देखने वाला था कि ऑडियो कहीं चलता है कि नहीं चल रहा है कि बोल के, कहीं मैं लास्ट टाइम की तरह ना हो जाए कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया और ऑडियो चालू नहीं किया, ऐसी सीन मुझे नहीं चाहिए फिर से, इसलिए मैंने सब क्रॉस चेक कर लिया एक बार। ओके सो ये घर तो बहुत बढ़िया सा है, ऐसा वाइब्स ही नहीं आ रही हैं कि रेसिडेंट ईविल 4 का है या कोई हॉरर प्लेस में, ये जगह बहुत बढ़िया घर है। वैसे मैंने वीडियो एडिट करते हुए देखा था कि हमने एक दो रूम्स चाहे छोड़ दिए थे, ऐसे एक रूम ऑब्वियसली वहाँ था और नीचे एक रूम था जो हमने छोड़ दिया था, पता नहीं वो लॉक्ड था या क्या है पता नहीं, फिर भी हमने उसे एक्सप्लोर किया नहीं। अभी के लिए पढ़ते हैं, अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ द मास्टर द पीपल ऑफर्ड अप द मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन द होल फार्म इज फाइनेस्ट कॉप इन द स्लाइटली नहीं मिलेगी, फिर हमें पता चलता है कि जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे वहीं पे कहीं कोने में पड़ी होगी, जैसे ये चीज़ पूरा मैंने एक्सप्लोर मारा। हाँ देखो ये कमरा जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, शिट, ओ सॉरी गाइस, ए भाई सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि तू भाग रहा था वहाँ पे, मालूम नहीं था मुझे, सॉरी यार छोड़ दो यार, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। और दूसरा कमरा हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, शायद फिर से आगने चला गया वो बंदा। अबे ये बड़ा अजीब आइटम है, चलो इसकी टट्टी पूरी निकाल दे, हट, भाई ये कैसा कुमोड है। हाँ भाई ये तो टट्टी कर रहा था, अब ये भी ताज़ा है, सॉरी फॉर दैट गाइस, कुछ लोगों को बहुत वियर्ड लग रहा होगा ये चीज़ें, ये बातें वो ऑब्वियसली, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। ओके यहाँ पे भी हमने कमरा छोड़ दिया था, ये कमरा नहीं ऑब्वियसली एक छोटा सा क्या बोलते हैं, ओके एक्सप्लोरेबल आइटम। अरे भाई ओवन में अंडा कौन रखता है, ये क्या लॉजिक है, और मैं अंडे उठा भी नहीं सकता। ओके शायद इसके अंदर है, जो मुझे इसका की कोड पता नहीं कहाँ मिलेगा,
पता नहीं इसमें करना क्या है गाइस। Thanks. पता नहीं हमें और क्या क्या दिखना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई आइटम को स्टोर करने की जरूरत है क्या। अंडे को अरे यार डिस्कार्ड नहीं कर रहा यार, अंडे को स्टोर नहीं कर सकते हम। ओके इसे क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके दो हेल्थ, फिर से एक बार गेम सेव। मैं जितना चाहूँगा मतलब जितना चाहे उतना गेम सेव करना पसंद करूँगा गाइस, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर हम मर गए ना तो उस पूरी चीज़ को हमें फिर से करनी होगी जितनी भी हमने कंप्लीट की थी अभी। वो अरे यार माय बैड, मैंने उसे देख लिया था फिर भी मैं थोड़ा केयरलेस हो गया। अरे भाई रास्ता कहाँ से है इधर से, व्हाट द हेल, यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है भाई। अरे यार हद होती है यार हर चीज की। ओ ओके देखो यहाँ पर है क्रॉप स्वाइन हर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट स्वाइन हर्ड पिक बेब, ये वर्ड्स पता नहीं क्यों हाईलाइट किए गए हैं। क्रॉप स्वाइन हर्ड पिक क्रॉप स्वाइन हर्ड क्रॉप स्वाइन हर्ड पिक क्रॉप स्वाइन हर्ड पिक क्रॉप स्वाइन हर्ड पिक क्रॉप आई डोंट नो व्हाट स्वाइन हर्ड। अबे पिक ये काउ है, नो वे एक्चुअल में स्वाइन हर्ड का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है उस किताब में ही कुछ है। क्रॉप स्वाइन हर्ड द ओल्ड फार्मर हिज फाइनेस्ट क्रॉप द स्लाइट स्वाइन हर्ड हिज स्टाउटेस्ट पिक द बेगरली ग्रैंड डम हर ओन बिलवड बेब।
वैसे मैं चाहे तो इसे इंटरनेट पे चेक कर सकता हूँ, फिर भी मैं अपना ओन दिमाग लगा के इसे चेक करना चाहूँगा। पता नहीं कैसे किया जाता है। स्वाइन हर्ड, स्वाइन हर्ड क्रॉप, शायद ये ऐसे आ सकता है। देखते हैं, ट्राई नंबर टू। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे वीडियो एक्सटेंड हो रही है यार। क्रॉप बेब ठीक, व्हाट, नो वे, ये भी गलत है। फिर सही आंसर क्या है यार? कहीं क्रॉप, ये ऑब्वियसली पिक गई है, मुझे पक्का पता है। यहाँ पे बेब नहीं आता है ना, ये क्रॉप है। यहाँ पे मैं कोई डाउट ही नहीं है मुझे। ओह नाइस, बूम गाइस, कर लिया। यस, बट व्हाट इज दिस, इतनी मेहनत करवाई और इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सेलेंट, व्हाट इज दिस, कुछ भी नहीं है इसमें टेक्निकली। यहाँ रहा कौन आ गया? पूरी हेल्थ का गया है यार ये फालतू में आके। ओ नाइफ, नाइफ, नाइस, फालतू में आ गया। पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। कहीं यहां पे तो नहीं लगता है ना ये। यस परफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस, यस परफेक्ट। अब जो भी हो, मैं यहाँ पे गेम पे एक बार सेव करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इतना सारा फिर से करना होगा अगर मैं यहाँ पे हार गया तो। वो ये बेड तो देख रहे हो तुम लोग गाइस, कितना हाई क्लास है देखो तो। से एकदम बढ़िया सा टेक्सचरिंग किया गया, मॉडलिंग किया गया इसका, रियली नाइस, आई लाइक इट। ओके, या आई डोंट नो ये वेदर इम्पोर्टेंट था कि नहीं था। ओके, ये वही बंदा था जिसने हमें इन्फेक्ट किया था शायद, शायद ऐसे ही दिखता है वो, या कोई और भी हो सकता है, आई डोंट नो टेक्निकली। व्हाट इज दिस, ओ की, नाइस, इतने आसानी से तो नहीं जाएगा ये बंदा। शिट, ओ भाई वहां पे FPS बहुत ज्यादा ही गिरा।
साहब कुछ भी नहीं है, वैसे उठा रहा ये बंदा। The blood has accepted the gift. वो कौन थी भाई? कोई लड़की थी शायद। भाई ये पता नहीं कौन सा सस्ता अंडरटेकर है, इतना बड़ा शरीर लेके कुछ भी नहीं ऐसे उठा रहा है लियोन को। सीरियसली गिफ्ट माय ब्लड, इसको टेक्निकली आइडिया ही नहीं है कि क्या हुआ है। ओके सो इसी के साथ हम चैप्टर 2 का भी एंड हो चुका है। सो शायद मैं यहाँ पे वीडियो फिर से काटना पसंद करूँगा क्योंकि चैप्टर 2 ऑब्वियसली एंड हो चुका है, तो हम एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ शुरू कर सकते हैं बट नेक्स्ट पार्ट 6 ऑब्वियसली। वैसे अब तक मैं अपने गेम का एक्सपीरियंस बताऊं तो एकदम चुम्मा था, ऐसा वाला परफॉर्मेंस था। मुझे कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि स्टोरी थोड़ी इनकन्वीनियंट थी या ज़्यादा ही कुछ ओवर हाइप्ड किया गया था गेम को, या मैं ऐसे बोलूँ कि गेम को क्या बोलते हैं स्टोरी को ओजी से कुछ ज़्यादा ही काट दिया गया है, मिला दिया गया है। ऐसे थोड़ी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिर भी आई स्टिल एक्सेप्ट इट क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं हो सकता क्योंकि ये 2023 को रीमेक किया गया है, यानी 2023 में ये गेम कैसा दिखेगा अगर वो बनाया गया था, ऐसे एक सोच रख के किया गया है, सो आई टोटली एक्सेप्ट इट। तो इसके साथ हम बोलते हुए चैप्टर 2 का भी एंड करते हैं और इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपको पार्ट 6 में और एक ब्रांड न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा।